नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस इज एस्टिमेटेड टू बी 3.6 फर्मी मीटर। ठीक है, आपका एक एलिमेंट दिया है एल्यूमिनियम, उसका कह रहे हैं कि जो रेडियस है, ठीक है, उसका रेडियस कितना है 3.6 फर्मी मीटर, ये गिवन है आपको चीज। ठीक है, फर्मी मीटर का मतलब क्या था, फर्मी मीटर का मतलब था 3.6 इंटू 10^-15 मीटर। आगे कह रहे हैं देन द रेडियस ऑफ टीई न्यूक्लियस बी नियरली। ठीक है, तो जो टीई न्यूक्लियस होगा जिसका एटॉमिक मास कितना है टेरिलियम, ठीक है, 125 और 52। ठीक है, कह रहे हैं इसका जो आपका रेडियस होगा वो कितना होगा। ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला क्या था आपका, रेडियस का फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ई की पावर माइनस 1/3। ठीक है, क्या था, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ठीक है, तो आपकी आर है ना, एल्यूमिनियम दिया है और क्या दिया है, टी दिया है। ठीक है, तो ए एल के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आर नॉट ए की पावर ए बाय थ्री। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो टी है, टी के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आर नॉट ए की पावर 1/3, सेम। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इजी था ये तो, आर ए एल डिवाइडेड बाय आर टी ई इज इक्वल्स टू ए की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय ए की पावर 1/3। अब ये ए क्या था, एटॉमिक मास, इस ए का मतलब क्या था, एटॉमिक मास। अब एटॉम कैंसिल मत कर देना, ये यहाँ पे वन और टू लिख दो वरना कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर ए एल डिवाइडेड बाय आर टी ई, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना दिया है 27, तो ये हो जाएगा 27 के ऊपर पावर 1/3 डिवाइडेड बाय टी, टी का एटॉमिक मास कितना दिया है 125, तो 125 की पावर कितनी 1/3। अच्छा, अब 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 5s are 25, 25 5s are 125, तो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। और अच्छा, इसके ऊपर पावर कितनी है, ये ठीक है, तो ये सब 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, 3 की पावर 3 से वो 3 डिवाइड में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, आर ए एल डिवाइडेड बाय आर टी ई इज इक्वल्स टू 3/5। अच्छा, अब मुझे क्या फाइंड करना था, रेडियस किसका गिवन था, एल्यूमिनियम का गिवन था। अच्छा ठीक है, एल्यूमिनियम का रेडियस गिवन है कितना, 3.6 इंटू 10^-15 फर्मी मीटर। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम का आ गया 3.6, इसका रेडियस तो मुझे फाइंड ही करना है, और ये हो जाएगा 3/5। अब मुझे आर फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 5 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3, 3 1s are 3, और ये हो जाएगा 1.2, तो रेडियस कितना आ गया 1.2 इंटू 5, 1.2 इंटू 5 मतलब 5 2s are 10, 5 और 6, तो कितना आंसर आ गया फर्मी मीटर में, है ना, 6 फर्मी मीटर रेडियस आ गया। क्लियर, कोई डाउट, इजी था क्वेश्चन, यस मैम, इजी सा क्वेश्चन था ना आपका, कितना फर्मी मीटर आ गया, 6 फर्मी मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्या कह रहा है, हाफ लाइव्स ऑफ टू रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई ए एंड बी आर 10 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। ठीक है, कोई दो न्यूक्लियाई हैं, उनका जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ पीरियड है, वो कितना है, 10 मिनट और 20 मिनट है। ठीक है, कितना है, 10 मिनट है, पहले वाले का 10 मिनट है, ठीक है, और दूसरे वाले का मतलब बी का कितना है, 20 मिनट है। क्या 20 मिनट है, हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, आगे कह रहे हैं इफ इनिशियली अ सैंपल हैज इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनिशियली शुरू में क्या T इज इक्वल्स टू जीरो पे इसके पास भी एन नॉट इन न्यूक्लियाई थे, इसके पास भी एन नॉट इन न्यूक्लियाई थे, देन आफ्टर 60 मिनट्स, तो पूछ रहे हैं 60 मिनट बाद द रेशियो ऑफ डिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ए एंड बी विल बी
जो आपके 60 मिनट के बाद जब टी इज इक्वल्स टू 60 मिनट होगा तब हमसे एन ए बाय एन बी का रेशियो पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ में आ गया? मैम रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहे हैं, दो आपके पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है ना, दो रेडियो एक्टिव आपके पास न्यूक्लियाई है, बोल रहे हैं शुरू में इसके पास भी एन नॉट न्यूक्लियाई थे, इसके पास भी एन नॉट न्यूक्लियाई थे, टी इज इक्वल्स टू जीरो पर। ठीक है, और बोल रहे हैं इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है ए का वो है 10 मिनट, मतलब 10 मिनट के बाद ये आधा खत्म हो जाता है, आधा डीके हो जाता है। ठीक है, और आधे न्यूक्लियाई बचते हैं, और इसका जो हाफ लाइफ है वो बोल रहे हैं 20 मिनट है। तो अपन से क्वेश्चन पूछा है कि ये तो हाफ लाइफ की बात हो गई, ठीक है, वो पूछ रहे हैं टी इज इक्वल्स टू 60 मिनट पे, टी इज इक्वल्स टू 60 मिनट में इसके पास देखो पहले एन नॉट थे, जब डीके होना स्टार्ट होगा, डीके होते 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 60 मिनट के बाद अगर इसके पास एन ए न्यूक्लियाई बचे और इसके पास एन बी न्यूक्लियाई बचे, तो बोल रहे हैं इन एन ए बाय एन बी न्यूक्लियाई का रेशियो बताइए कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अब समझ में आया? मान लो पहले 10 न्यूक्लियाई थे, 10 न्यूक्लियाई थे पहले वाले के पास, ठीक है, अब उसके बाद डीके स्टार्ट होने लगा, रेडिएशन निकला एमिट हुआ तो न्यूक्लियाई डीके हो जाएगा, कम होने लगेगा, तो मान लो 5 मिनट बाद थोड़े जितने न्यूक्लियाई बचेंगे, एक दो खत्म हो गए ना, 8 न्यूक्लियाई बचे, पहले वाले के 8 बचे, दूसरे वाले के 7 बचे, तो हमें 8/7 ऐसा रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। है ना, आप क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, ओके मैम, कूल। ठीक है, तो अब देखो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले कितने न्यूक्लियाई होंगे, एन नॉट, पहले बार मैं किसकी बात कर रही हूँ, ए की बात कर रही हूँ, रुको इसको डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, अगर इनिशियली देखें तो कितने ए के पास कितने न्यूक्लियाई होंगे, पहले एन नॉट होंगे, फिर देखो इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कितना है, 10 मिनट है, मतलब 10 मिनट के बाद ये कितना बचेगा, हाफ हो जाएगा, एन नॉट से कितना हो जाएगा, एन नॉट बाय 2 हो जाएगा। इतना समझ में आया? यस मैम। क्या होगा फिर 10 मिनट के बाद, ये जितना बचा है एन नॉट बाय 2, इसका डीके होना स्टार्ट हो जाएगा, तो अब 10 मिनट के बाद एन नॉट बाय 2 का भी आधा, एन नॉट बाय 2 का आधा बचेगा, तो एन नॉट बाय 2 का आधा कितना हो जाएगा, कोई बताए, एन नॉट बाय 2 का भी हाफ कितना हो जाएगा, एन नॉट बाय 4। समझ में आया? नॉट बाय 2 का भी आधा बचेगा, तो एन नॉट बाय 2 का भी आधा मतलब 2 × 2 = 4, एन नॉट बाय 4, अभी कितने मिनट हुए, 20 ही मिनट हुए, लेकिन अपन को ऐसा कब तक करना है, जब तक कितना आ जाए अपना 60 आ जाए, फिर 10 मिनट के बाद एन नॉट बाय 4 का भी आधा, एन नॉट बाय 4 का भी आधा मतलब एन नॉट बाय 8 न्यूक्लियाई बचेंगे, फिर 10 मिनट देखें तो एन नॉट बाय 16 होंगे, फिर कितने मिनट होगा, ये 40 मिनट्स होगा, फिर देखें हम फिर 10 मिनट कर दें तो कितने हो जाएंगे, एन नॉट बाय 32 बचेंगे, फिर 10 मिनट बाद देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, एन नॉट बाय 64। इसका मतलब टी इज इक्वल्स टू जीरो पे कितने न्यूक्लियाई थे, एन नॉट थे, और टी इज इक्वल्स टू 60 मिनट पे कितने न्यूक्लियाई बचे, एन नॉट बाय 64। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। देखना, आप ध्यान से सुनना, इसका मतलब अपन को किसका रेशियो निकालना है, अपन को रेशियो निकालना था एन ए बाय एन बी का। एन ए क्या होता है, कितने जो है डीके हो गए, ठीक है, कितने डीके हो गए, तो आपका एन ए कितना हो जाएगा लास्ट में 60 मिनट पे, कितने बचे, एन नॉट बाय 64 बचे, और शुरू में कितने थे, एन नॉट थे, तो ये एन ए की वैल्यू हो जाएगी, ये बात समझ में आना चाहिए, ये समझ में आई बात, शुरू में आपके उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया ये, सॉरी। ठीक है, शुरू में आपके कितने थे,
एन नॉट न्यूक्लियाई थे और लास्ट में आते आते कितने बचे, एन नॉट बाय 64 बचे। तो जितने इनको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 60 मिनट पे कितने होंगे, कितने डीके हुए होंगे। तो एनए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 एन नॉट माइनस एन नॉट बाय 64, इसका मतलब 63 एन नॉट बाय 64। ये पॉइंट समझ में आना चाहिए, इज इट क्लियर ना। इसी तरीके से हम एन बी के लिए निकाल सकते हैं। ये हमने किसके लिए निकाल लिया, एन ए के लिए, ए के लिए फाइंड करा। ए के लिए हाफ लाइफ 10 था तो हमें ये चीज 6 बार करना पड़ी। इसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं इसे, ये इक्वेशन 1 मार्क कर लिया। इसी तरीके से हम क्या देख सकते हैं, बी का देख सकते हैं। तो बी का हाफ लाइफ तो ज्यादा है, 20 मिनट है। तो अगर शुरू में एन नॉट होंगे तो 20 मिनट के बाद कितने बचेंगे, एन नॉट बाय 2 बचेंगे, और फिर 20 मिनट बाद कितने बचेंगे, एन नॉट बाय 4, फिर 20 मिनट बाद कितने बचेंगे, एन नॉट बाय 8। तो ये 20 20 20 60, इसका मतलब यहाँ पे कितना, 60 मिनट पे कितने हो रहे हैं, एन नॉट बाय 8। तो इसी तरीके से अपन एन बी निकाल सकते हैं। एन बी कितना हो जाएगा, एन नॉट माइनस एन नॉट बाय 8। तो ये कितना हो जाएगा, 8 एन नॉट माइनस 1, मतलब 7 एन नॉट बाय 8। क्लियर? यस मैम, यस मैम। अब अपन से क्या पूछा था, इसका रेशियो पूछा था। तो रेशियो पूछा था तो ये इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें। हमसे एन ए बाय एन बी पूछा ना, तो इन दोनों को डिवाइड कर दें। सिर्फ डिवाइड कहाँ करूं, ओके आई नीड सम स्पेस, ओके है ना। हमें क्या फाइंड करना है, एन ए बाय एन बी फाइंड करना है। तो दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। एन ए अपन का कितना आया, 63 एन नॉट बाय 64। एन ए कितना आया, 63 एन नॉट बाय 64। अच्छा, एन बी का डिवाइड में चाहिए था, तो एन बी कितना आया अपना, एन बी आ गया 7 एन नॉट बाय 8। अब इसे कैंसिल कर दें, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा। 7 वन जार 7, 7 नाइन जार 63, 8 वन जार 8 और 8 एट जार 64। तो कितना आ गया ये, एन ए बाय एन बी कितना आया, एन ए बाय एन बी अपना कितना आ गया, 9 बाय 8। क्लियर, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? यस मैम, यस मैम। क्वेश्चन था बस, इसमें यही समझना था कि एन ए जो भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड होंगे 60 मिनट में, वो कितना हो जाएगा, एन ए होगा। तो हो जाएगा एन नॉट में से क्या माइनस करेंगे, जो भी 60 मिनट के बाद जितने भी बचते उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमें ये पता चल जाएगा 63 एन नॉट बाय 64 न्यूक्लियाई जो थे आपके वो डीके हो गए। ठीक है, वही होगी आपकी एन ए की वैल्यू। ठीक, सिमिलर वही कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, हाफ लाइफ ऑफ टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए एंड बी आर 20 मिनट एंड 40 मिनट। कोई आपका ए एलिमेंट है, उसका जो हाफ लाइफ है ए का वो कितना है, 20 मिनट है। ठीक है, आपका कोई बी एलिमेंट है, उसका जो हाफ लाइफ है वो कितना है, 40 मिनट है। आगे कह रहे हैं, इफ इनिशियली बोथ द न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, बोथ द एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इसका मतलब इसके पास भी एन नॉट है इनिशियली। इनिशियली मतलब t इज इक्वल्स टू जीरो पे, ठीक है, t इज इक्वल्स टू जीरो पे इसके एन नॉट है, इसके एन नॉट है, इसके t इज इक्वल्स टू 20 पे, 20 मिनट पे हाफ लाइफ आ गया। हाफ लाइफ आ गया मतलब 20 मिनट पे ये एन नॉट बाय 2 हो जाएगा, और ये 40 मिनट पे एन नॉट बाय 2 होगा। ठीक है, ये मतलब होता है हाफ लाइफ का। ऐसे आप टाइम के भी, टाइम का भी ऐसे चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, बोल रहे हैं आफ्टर 80 मिनट, 80 मिनट के बाद t इज इक्वल्स टू 80 मिनट पे फिर एन ए बाय एन बी का रेशियो आपसे पूछा है। तो सिमिलर जैसे अपन ने ये क्वेश्चन किया, इसका अलग निकाला, ए का 10 मिनट था तो 60 के लिए 6 बार करना पड़ा। इसी तरीके से इसका हाफ लाइफ 20 है तो 80 के लिए अपन को यही चीज कब तक दोहराना पड़ेगी, 4 बार। तो ये एन नॉट बाय 4 हो जाएगा और ये एन नॉट बाय 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए 2 बार करना पड़ेगी और फिर इनिशियल में से फाइनल माइनस कर देंगे तो एन ए एन बी पता चल जाएगा और उसका रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। हो जाएगा, इजिली हो जाएगा।
Yes. Yes, ma'am. Okay. We can attempt this question. क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? If n naught is the original mass of the substance of half life period t half is equals to 5 year. ठीक है, कोई n naught है, कोई किसी भी एलिमेंट का जो n naught है वो ओरिजिनल मास है, और हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया है? 5 year दिया है. हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया है? 5 year दिया है. तो आपसे पूछा है देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 15 year. तो t इज इक्वल्स टू 15 year, मतलब 15 साल के बाद. अगर हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया है? 5 साल दिया है. तो बोल रहे हैं 15 साल के बाद कितने न्यूक्लियाई बचेंगे, जो Na की वैल्यू होगी वो कितनी होगी. ठीक है, यस, बहुत सिंपल सा है, जल्दी से ऐसी हो जाना चाहिए. आंसर बताओ. n नॉट बाय 8, n नॉट बाय 16, n नॉट बाय 2 या n नॉट बाय 4. देखो 5 साल है. ठीक है, 5 साल है, लेकिन हाफ लाइफ पीरियड कितना है? 5 साल. लेकिन पूछा कितने बार है? 15 साल के बाद पूछा है. ठीक है, 5 साल के बाद अगर इनिशियली t इज इक्वल्स टू 0 पे n नॉट होगा, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? n नॉट बाय 2. और 10 साल, फिर 5 साल, मतलब फिर 10 साल बाद कितना हो जाएगा? n नॉट बाय 4. फिर 5 साल, मतलब 15 साल. 15 साल बाद कितना हो जाएगा? n नॉट बाय 8. समझ में आया कैसे निकालते हैं? अगर हाफ लाइफ पीरियड दिया हो तो कितना बचेगा कैसे निकालते हैं, ना? इसके लिए फॉर्मूला भी होता है. क्या होता है? एन नॉट 2 की पावर n. देखो 2, 4, 8, 16, 32, 64, तो ऐसा भी लिख सकते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, n कितने हैं कि कितने बचेंगे, कितने बचेंगे आप कैसे लिख सकते हैं? एन नॉट बाय 2 की पावर n. अपन को यहाँ पे 15 year पूछा था. ठीक है, मतलब 15 year n क्या होता है? यहाँ पे ये n क्या होता है, आप ध्यान रखो, t डिवाइडेड बाय t हाफ. तो t आपको कितना दिया था? 15 साल. और t हाफ कितना दिया था? t हाफ दिया है 5 साल. तो ये कितना हो जाएगा? 3. n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 3. तो n नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, एन नॉट बाय 8. किसी से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, फॉर्मूले से अटेम्प्ट कर लो या फिर ऐसे हाफ हाफ करते जाओ, एक ही बात है. क्लियर? यस मैम. ठीक है, समझ में आया? ओके. ठीक है, तो ये थे.